नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हर्षद गोदा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसराइल के तरीके से भोपाल मध्य प्रदेश में अवोकाडो की फ्रूट की खेती कर रहा हूँ और उसकी नर्सरी भी मैंने डेवलप की हुई है। जी, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया था कि आपको एक अवोगाडो की नर्सरी और उसकी प्लांटेशन करनी है? देखिए, बात 2017 की है। उस वक्त मैं यूके में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था और मैं हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी सीरियस था और अभी भी हूँ। तो तब मैं अवोकाडो रेगुलरली खाता था यूके में, और जब जब मैं इंडिया आता था तब मुझे अच्छी क्वालिटी के अवोकाडोस नहीं मिलते थे, और जो मिलते थे वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और प्राइस भी बहुत एक्सपेंसिव था भोपाल में। तब मैंने सोचा कि हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है और बढ़ ही रहा है, तो अवोकाडो की भी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फ्रूट है और ये कीटो और वीगन डाइट्स में इसे बहुत खाया जाता है। तब मार्केट रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये एक्चुअली साउथ अमेरिका का फ्रूट है और इसराइल में इसकी बहुत हाईटेक तरीके से खेती होने लगी है, डिस्पाइट हैविंग बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा है और पानी भी कम है, उसके बाद भी इसराइल में अवोकाडो की खेती होती है और इतनी अच्छी होती है कि वह यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं। तब मैंने इसराइल की अवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया एंड उनसे पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ के काम सीख सकता हूँ। तो उनमें से कुछ ने तो आउटराइट मना कर दिया, कुछ बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे थे एंड एक ने मुझसे बोला कि हाँ आ जाइए और हम आपको पूरा काम सिखा देंगे। तो उस वक्त मैं लंदन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप ख़त्म करके फिर मैं 1 महीना इसराइल चला गया और वहाँ पर मैंने काम सीखा किबुत्स मगान में, और मगान सी ऑफ गलीली के सदर्न शोर पर है। हम वहाँ पर सुबह 5 से 10 बजे काम करते थे, क्योंकि शाम को, दोपहर और शाम को वहाँ पे काम नहीं होता था क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती थी। तो 10 बजे तक काम फील्ड पे रहता था, नोट्स लेता था। उसके बाद मेरे जो मेंटोर थे वहाँ पे, वो मेरे को अपने कलीग से मिलवाते थे, इरिगेशन एक्सपर्ट्स, पैक हाउस मैनेजर्स, नर्सरी ओनर्स, एक्सपोर्टर्स, मार्केटर्स। तो इन सब से मिलके मुझे थोड़ा इंडस्ट्री का आइडिया समझ में आया कि मार्केट में क्या प्रेफरेंस की जाती है, कब भेजा जाता है, कोल्ड स्टोर में कैसे रखा जाता है, उगाया कैसे जाता है, कितना फर्टिलाइज़र देना है, कब देना है, ये सब समझ में आया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी यूके जाके, और फिर मैं इंडिया आके इसका मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोच लिया था। लेकिन 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं पौधे इंडिया से ना लेके इसराइल से मंगाऊँ। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में अच्छी क्वालिटी का फ्रूट ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट अवेलेबल होना और मुश्किल था। तो मैंने इसराइल अपने एक वहाँ पे मेरे कलीग बन गए थे, वो उनसे डिसाइड किया कि मैं उनसे पौधे मंगवाऊँगा। मैंने वहाँ पेमेंट कर दिया, लेकिन इंडिया में लाइव प्लांट्स मंगाने का प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है कि उसको समझने में मुझे 6 महीने लग गए, और उतने में मेरे जो इतने बड़े प्लांट्स एक्सपोर्ट होने थे वो बहुत बड़े हो गए, तो वो शिपमेंट उनका नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने 2020 में डिफ़र किया उस शिपमेंट को, और 2020 में फिर कोविड हो गया था, आपको भी पता है, तो दोनों कंट्रीज़ में लॉकडाउन था, तो इसलिए फिर 2021 में फाइनली मेरे पास प्लांट्स आए। अब 2021 में जब प्लांट्स आए तो मैं अपनी पूरी जर्नी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंकडिन पे डॉक्यूमेंट कर रहा था, तो लोगों के मेरे पास कॉल्स आना शुरू हुए कि भाई आपके पौधे आ गए, हमें भी ट्रायल करना है, आप कुछ पौधे हमारे लिए भी मंगवा सकते हैं क्या। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं और कंसाइनमेंट मंगवाऊँ इसराइल से दूसरे लोगों के लिए, और उनको उन हर जगह इनके पायलट प्रोजेक्ट्स करवाऊँ, टेस्टिंग करवाऊँ कि कहाँ पे कौन सी वैरायटी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो फिर वो पौधे मेरे पास यहाँ आ गए थे, ये आप देख चुके हैं, देख सकते हैं, ये 1 साल पहले मेरे पास आए थे, ये अब ग्रो हो चुके हैं और ये डिलीवरी के लिए रेडी हैं। उसके बाद वो डिमांड धीरे धीरे बढ़ते गई, मेरे पास अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर कोडाईकनाल, कुन्नूर, साउथ, फिर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से भी कस्टमर्स हैं। और ये मेरा नया लॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मई में मेरे पास आया है एंड मई से लेकर अभी तक की आप ग्रोथ देखिए कि ये इतने से टाइम में इसकी हाइट कैसी हो गई है। इनको अब हमें बैम्बू स्टिक से सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी स्पेशल बात ये है कि मैं इसराइल से ही पौधे क्यों मंगाता हूँ, मैं इंडिया से क्यों नहीं खरीदता? तो उसका मेन रीज़न ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पौधा यहाँ से ग्राफ्टेड है, ये,
ग्राफ्ट के नीचे की वैरायटी कौन सी है और ऊपर की वैरायटी कौन सी है, ये दो अलग अलग अवोकाडो ही है बट अवोकाडो की वैरायटी अलग है। नीचे जो वैरायटी है ये है आशदोत 17 और ऊपर जो लगी है ये वाली है हास वैरायटी। तो ये देखिए आप, यहाँ से ग्राफ्ट है, ये आशदोत 17 और ये हास है। तो वो इसलिए क्योंकि अवोकाडो या कोई भी आप कमर्शियल अवोकाडो नर्सरी में जाएंगे तो वो बताते हैं आपको कि रूट स्टॉक कौन सा यूज़ कर रहे हैं। रूट स्टॉक जो इसका नीचे का सीड का पार्ट होता है वो इसकी रूट्स की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है, यील्ड डिटरमाइन करता है, डिजीज रेजिस्टेंस देता है और अल्कलाइन सॉइल्स में भी वर्क करता है। तो इसलिए वो रूट स्टॉक्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया में लोग रैंडम सीड पर अवोकाडो उगा के उसको ग्राफ्ट करके दे देते हैं। तो इसको कितना समय लगता है एक अवोगाडो प्लांट में अवोगाडो आने में? देखिए इसको हम नर्सरी में लगते हैं, उसके बाद जब आप हमसे परचेज करेंगे तो आपको एक डेढ़ साल का पौधा मिलेगा और फील्ड पे लगाने के 3 साल में इसको फ्रूटिंग आ जाती है और फिर ये फ्रूटिंग आने के बाद नेक्स्ट 40-50 ईयर्स तक ये आपको कंसिस्टेंट फ्रूटिंग देता रहेगा, जैसे मैंगो का ट्री होता है वैसे। जी, तो आप ये इसराइल से स्पेशली क्यों मंगाते हैं अवोगाडो? क्योंकि हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और इसराइल की क्लाइमेटिक कंडीशंस सिमिलर है। इसराइल में कम पानी और ख़राब पानी होने के बावजूद वो बहुत अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास तो यहाँ पानी की क्वालिटी भी अच्छी है और हम अगर कम पानी में चीज़ पैदा कर सकते, मतलब चीज़ उगा सकते हैं क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स यूजुअली हाई रहती हैं अवोकाडो की, बट इसराइल में ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी के बाद वो उसको काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए मैं इसराइल की टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, पानी भी बचता है। जी, तो जैसे जो ये आपने अवोगाडो का यहाँ पे एक वो गार्डन बनाने का प्लान किया, अवोगाडो ग्रो करना शुरू किया, तो इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चैलेंजेस इसराइल से यहाँ प्लांट लाने में या फिर एक जगह पे ग्रो करने में हुई होंगी, तो वो ऐसी क्या चैलेंजेस है जो आपको फेस करनी पड़ी? देखिए इनिशियली तो पौधा मंगाना ही बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करना और लाइसेंसेस लेना बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर था फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद तो मुझे पता था तो मेरी आदत में आ गया तो कोई इशू नहीं है, बट फर्स्ट टाइम के लिए दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। सेकंड वाज कि मेरा बैकग्राउंड पढ़ाई में एग्रीकल्चर का नहीं है, बिजनेस का है, तो फिर मेरे को पूरा सीखना पड़ा था कि कल्टिवेशन कैसे होता है और एग्रीकल्चर मतलब अपने का सिस्टम और इसराइल का सिस्टम काफ़ी अलग है, वो काफ़ी एडवांस टूल्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मुझे यहाँ पे उसके बिना भी मैनेज करना पड़ रहा था। फिर कुछ डिजीज़ पेस्ट्स होते हैं तो उन सब को कैसे टैकल करना है वो सब मैंने यूट्यूब पे देख देख के या मेंटर से पूछ पूछ के सीखा, तो ये पूरी नॉलेज जो गेन करने का प्रोसीजर था ये काफ़ी, और अभी भी मैं मतलब सीख ही रहा हूँ क्योंकि ये तो एवर एक्सपैंडिंग फील्ड है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था इनिशियली बट अब मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं उसे कर सकता हूँ। जी, तो आपके साथ अभी कितने लोग इस फार्म पे काम कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ 4 तो रेगुलर स्टाफ मेंबर्स हैं ऑन सैलरी बेसिस, बाकी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम वर्कफोर्स बढ़ाते कम रहते हैं डेली वेज पे, जैसे कभी काम ज़्यादा है तो फिर हमने ज़्यादा वर्कफोर्स बढ़ा ली उस दिन, कभी काम कम है तो फिर उस दिन नहीं, तो ऐसे 4 लोग हैं जो रेगुलर सैलरी पे हैं। जी, तो अगर आपके पास से किसी को अवोगाडो या उसका प्लांट खरीदना होगा तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है और उसकी क्या प्राइस होती है? देखिए अगर आपको मुझसे प्लांट्स लेने हैं तो आप हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर है 6268643227 और इस प्लांट की प्राइस है 3000 रुपीज़ ईच और जो भी डिलीवरी चार्जेस हैं ये एक्स्ट्रा रहेंगे, तो जो प्राइस है वो एक्स वॉट्स है। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि प्लांट की प्राइस कम कर दें क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे मदर प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, 1.5 साल में वो भी डेवलप हो जाएंगे, तो फिर मैं इसराइल वाले प्लांट्स आइडेंटिकल प्लांट्स इंडिया में बनाना शुरू कर सकता हूँ। जी, तो ये जो प्लांट्स है ये अभी तक आप लोग आपने कितने लोगों को सेल किया है? देखिए अभी मेरी डिलीवरीज चालू हैं, मेरे टोटल कस्टमर जिनने खरीद लिया है और जिनने बुक कर दिया है वो 80 के आसपास होंगे, अलग अलग क्वांटिटीज़ में लिया है सबने, किसी ने 800 तो किसी ने 15, किसी ने 100, किसी ने 300, ऐसे वेरीड है बट ऑल ओवर द कंट्री। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे अवोकाडो का ऑर्चर्ड है, ये 4.5 एकड़ का ऑर्चर्ड है जिसपे लगभग 650 पौधे हमने यहाँ पे लगाए हैं, और जब मैंने आपको अभी नर्सरी दिखाई थी नर्सरी में पौधा रेडी होता है उसके बाद फील्ड पे आता है, फील्ड पे हम ऐसे लगाते हैं कि ये रेज बेड बनता है, काफ़ी अच्छी हाइट और विड्थ रहती है इसकी, वो पानी
इसकी रूट्स को क्लॉग ना करे, इसलिए रेस बेड पे बनाया जाता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इसराइल में और यहाँ पे भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हर पौधे पे डबल ड्रिप लाइंस गई हैं क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट हाई रहती है। और उसके बाद लगाते वक्त हमने जैसे प्रून, इसको प्रूनिंग करना पड़ता है, तो छटाई इसलिए होती है क्योंकि जब आप बैक से फील्ड पे पौधे को लगाते हैं तो जब बैक फाड़ के उसको निकालते हैं पौधे को, तो थोड़ी रूट्स डैमेज हो जाती हैं। तो जब फील्ड पे आप लगाते हैं साथ ही उसकी थोड़ी छटाई करनी पड़ती है ताकि उसका जो स्ट्रेस पड़ता है पौधे पे वो इतना ज़्यादा ना पड़े, वो जितना उसका इवेपोरेशन है उससे कम ही इवेपोरेट करे।